कोविड-19 के लॉकडाउन में दी गई नियमों की ढील और छूट के बाद झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ उपखंड पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर यूडी खान सूरजगढ़ उपखंड के दौरे पर रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने पिलानी में पेयजल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद सूरजगढ़ पंचायत समिति की पिलौद व भवटड़ी गांव में चल रहे मनरेगा कार्यों का भी निरीक्षण किया। तो वहीं जिला कलेक्टर ने मौके पर मौजूद मेट और बीडीओ से चल रहे कार्यों की प्रगति जानी। जिला कलेक्टर ने हरियाणा बॉर्डर का जायजा लेते हुए वहां लगाई गई चौकी और कैंप का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने आगामी मॉनसून के दौरान नरेगा में सार्वजनिक स्थानों पर सघन पौधारोपण करने के साथ ही अधिक से अधिक फलदार वृक्ष लगाए जाने की भी बात कही। क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर देख रहे हैं और जो सैम्पलिंग है जो ली जा रही है उस जगह को देख रहे हैं और साथ में बॉर्डर भी देखा पिलौद और दो तीन जो नरेगा के काम हैं इंडिविजुअल और सामुदायिक उनको देखा है और ये एक अभी यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी हैं लेकिन एक स्थिति जो बन रही है नरेगा में जो इंडिविजुअल काम है सार्वजनिक काम है वहाँ पर सघन वृक्षारोपण करवाएंगे और साथ में फलदार वृक्ष भी लगवाएंगे। इसके ऊपर रणनीति बनाएंगे बना के सब लोगों को करीब 1000 लोगों को कम से कम 1000 लोगों को 100 या उससे ज़्यादा पेड़ देंगे फलदार ताकि क्षेत्र में फलों की कमी